hello namaskar and welcome to another tip by dr rahul manchanda i'm a gynecologist and today we will be speaking on polycystic ovarian syndrome no not the disease because we made a video on that before so please go check that out but we'll talk about the diet that we need to incorporate in our daily lives when we're suffering from polycystic ovarian syndrome now what is the type of diet बेसिक डाइट दैट यू शुड हैव इज़ टू हैव लेस कार्बोहाइड्रेट्स आई टैन टू टेल माई पेशेंस टू रिमूव और कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज लेस बहुत कम लोग ले पाते हैं मगर अगर हम रिमूव बोलेंगे तो फिर लेस लेते हैं लोग तो कार्बोहाइड्रेट्स आप निकाल दीजिए फैट तली हुई चीज़ें वो निकाल दीजिए प्रोटीन हाई होना चाहिए डाइट मोर प्रोटीन्स इन योर डाइट जो सब्सटीट्यूट करेंगे आप इन चीज़ों का कार्बोहाइड्रेट्स का वो प्रोटीन से सब्सिट्यूट करेंगे सो लो फैट डाइट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड हाई प्रोटीन डाइट दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर पॉलिसोवेर सिंड्रोम ना वॉट आर द टाइप्स ऑफ फूड्स हम अब बोल तो दिया मैंने कि कार्बोहाइड्रेट्स लो लीजिए <coughs> क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स चावल आलू और दो और इवन नॉट सो यंगस्टर्स पिज्ज़ा पास्ता नूडल्स ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए जो जंक फूड टाइप खाना होता है ये अच्छा नहीं है आपके लिए क्योंकि दिस विल लीड टू हाई कार्बोहाइड्रेट्स एंड योर वेट गोइंग इन अप सॉरी रियली एंड दैट विल वर्सेन द होल साइकिल तो ये सारी चीज़ें आपने नहीं लेनी है लेना क्या है भाई वेजिटेबल्स लीजिए प्रोटीन्स में आप कुछ भी जो खाते हैं मीट मच्छी पनीर एग सोया वट एवर यू लाइक पुट दैट इन योर डिश एंड ईट दैट सैलेड्स खाएँ जो जी uh, मतलब अलग अलग रंग किस्म के जो हों या सब्जियाँ हों वो आप लीजिए दाल बहुत अच्छा है वो लीजिए आप मीठा आई एम सॉरी ऑल दोज पीपल हु लाइक द स्वीट्स पॉलीसिस्टिको ओवेरियन सिंड्रोम एंड स्वीट्स डोंट गो टुगेदर सो मीठा आपने अवॉइड करना है किसी भी हालत में मीठा अवॉइड कीजिए जो कि की, मुश्किल है मैं जानता हूँ मगर अगर एक आप करेंगे तो इसके रिजल्ट्स भी आपके बहुत अच्छे होंगे तो मीठा अवॉइड कीजिए स्वीट्स अवॉइड कीजिए तली हुई चीज़ें जैसे मैंने बोला वो आपने नहीं खाना है और ये जो <coughs> ड्राई तले हुई चीज़ें होती हैं जो हमारी आ, क्या कहते हैं पैकेट्स में मिलते हैं जो कि हाई फैट कंटेंट के होते हैं ये भी मत आपने जो है नहीं लेना है सो so, मोटा मोटा कार्बोहाइड्रेट्स जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो आपने नहीं खानी हैं चावल आलू आपने पिज्ज़ा पास्ता ये सारी चीज़ें अपने डाइट से निकाल देनी है तली हुई चीज़ें निकाल देनी है और आपने मीठा अवॉइड करना है एक बारी आपका वेट कम हो जाए तो देन धीरे धीरे हम लोग इसकी मात्रा जो है इंस्टीट्यूट करके डाइट रेगुलेट कर सकते हैं आपके जो है प्लान के अकॉर्डिंग बट अदरवाइज प्रोटीन्स सब्जियां दाल पनीर फिश चिकन एनीथिंग बट अगेन नॉट इन अ फ्राइड फैशन वो आपने घी तेल कम इस्तेमाल करना है तो ये तो रहा हमारा डाइट का ओवेरियन डिजीज़ के लिए मोटा मोटा और एक्चुअल डाइट प्लान के लिए एक अच्छे से डायटिशन से मिलिए और आके वो आपके लिए प्लान बनाएंगे जिसमें आपके जो है लोकल फूड्स को लेके वो जो है इंस्टीट्यूट करेंगे सो दैट आसानी हो आपको और मैं मानता हूँ खासकर उन उन नौजवानों के लिए जो कॉलेज में हैं जो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं मुश्किल तो है बट इन चीज़ों पे अमन करना बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ अगर आप अपना लाइफ ऐसे बदलेंगे खासकर डाइट से तो यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट इस वीडियो के लिए इतना ही इफ़ यू थिंक दिस विल हेल्प एनी ऑफ योर फ्रेंड्स डू शेयर इट विद देम डू मोर क्वेश्चंस आई प्रॉमिस टू रिप्लाई टू यू टिल द नेक्स्ट वीडियो नमस्कार